क्या आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपने कॉन्फिडेंस को डबल करना चाहते हैं? और ये प्रॉब्लम आज की बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि जितने भी मैं लोगों से बात करता हूं, जब मैं अपने रिजल्ट ओरिएंटेड कोचिंग में लोगों से बात करता हूं कि आपको ऐसा कौन सा इमोशंस, ऐसी कौन सी फीलिंग चाहिए जो आपके जीवन को बदल करके रख दे, तो वो बोलते हैं सर कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, किसी काम में कैसे कॉन्फिडेंस को ज़्यादा बनाएं। सो आज मैं आपके सामने ऐसी 3 स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को डबल करेंगे और आप अपनी लाइफ में ज़्यादा रिजल्ट को अचीव करेंगे। तो माय नेम इज़ दीपेंद्र, आई एम अ लाइफ कोच एंड ब्रेक थ्रू स्ट्रेटजिस्ट। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि ऐसे रिलेवेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलते रहें। हियर इज द स्ट्रेटजी नंबर 1, हियर इज द सीक्रेट नंबर 1 इज विजुलाइज योर आउटकम या फिर गोल। यस, ऐसे किसी आउटकम के बारे में सोचिए। सपोज अगर आप बुक रीडिंग करना चाहते हो, या फिर कोई ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहते हो, या फिर आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हो, या बहुत सारे लोगों को आप एड्रेस करना चाहते हो, बहुत सारे लोगों से आप मिलना चाहते हो और आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, या फिर कोई नई स्किल सीखना चाहते हो लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, तो सबसे पहले उस आउटकम या फिर गोल को डिफाइन करिए। एंड डिफाइन करने के बाद अब उसकी एक्साइटमेंट की लेवल को टॉप पे ले जाना शुरू करिए, क्योंकि जब आप उसकी एक्साइटमेंट की लेवल को टॉप पे ले जाना शुरू करते हैं, आपकी बॉडी उस चीज़ को मानने लगती है। और इसको कैसे करना है, आप उसको देखिए, महसूस करिए, फील इट, सी इट एंड शेयर इट, राइट। जब आप अपनी बॉडी के साथ उसको फील करते हो, महसूस करते हो और आपकी बॉडी उसको मानने लगती है कि ऐसा होने लगता है, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। सपोज कि अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हो, तो पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए सबसे पहले आप इमेजिन करो कि आपके सामने 10 लोग बैठे हैं। आप ये मत सोचो कि जब 1000 लोग हो जाएंगे या 5000 लोग हो जाएंगे तभी मैं जाकर के पब्लिक स्पीकिंग करूंगा। नो, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ विजुलाइज करना है कि मैं 10 लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने सामने 10 चेयर को रख सकते हो, 10 चेयर के सामने आप विजुलाइज करिए कि मैं पब्लिक स्पीकिंग दे रहा हूं, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, लोग मेरे लिए क्लैपिंग कैसे कर रहे होंगे, मैं अपने कॉन्टेंट को कैसे डिलीवर कर रहा होंगा, या फिर मैं लोगों को कैसे एड्रेस कर रहा होंगे, लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे होंगे, इस चीज़ की फीलिंग को विजुलाइज करो। मेक इट पिक्चर बिगर, ब्राइटर एंड बोल्डर। उस पिक्चर को बड़ा बनाओ, ब्राइटर बनाओ, बोल्डर बनाओ, ताकि आपके माइंड में क्लियर सिग्नल जा सके। और जब आपके माइंड में क्लियर सिग्नल जाता है तो वो आपकी बॉडी के अंदर वही सिग्नल भेजने लगता है। और जब आपकी बॉडी के सेल्स उस चीज़ के साथ मानना शुरू कर देते हैं कि यानी इट मीन्स कि ये प्रॉपर हो रही है, तो आप समझिए कि अब आप अपने कॉन्फिडेंस को आप बिल्ड कर रहे हैं, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि लोग सोचते हैं कि एक छोटा सा वीडियो देखने के बाद या फिर एक एक्टिविटी करने के बाद वो कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। नो, दिस इज अ शॉर्ट टर्म। लेकिन कॉन्फिडेंस एक अपने अंदर डेवलप करने वाली चीज होती है, ना कि कॉन्फिडेंस किसी चीज को सुन करके आता है। नहीं, आपको अपनी बॉडी के अंदर डेवलप करना पड़ता है। इट्स लाइक बिल्डिंग योर मसल्स। जब जैसे आप एक्सरसाइज करके अपनी मसल्स को बिल्ड करते हो, वैसे ही कॉन्फिडेंस के लिए अपनी बॉडी को ट्रेंड करना, अपने माइंड के अंदर उस मसल्स को बिल्ड करना है। तो आप उसको विजुलाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको कलरफुल देखिए एंड उसको होते हुए देखिए कि अब ये हो जाएगा तो उसका एक्साइटमेंट क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात की गलती कर जाते हैं कि सोचते हैं जब वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट आएगी। नो, आपको सबसे पहले अपनी बॉडी के अंदर ही एक्साइटमेंट देखना है, एक्साइटमेंट को फील करना है। नाउ, अब स्टेप नंबर 2, चंक डाउन योर आउटकम। यस, जो भी आपका आउटकम है, जो भी आपका गोल है, अब उसको आप चंक डाउन करिए। बहुत सारे लोगों के साथ ये चैलेंज आ जाता है जब भी उस काम को करना चाहते हैं, क्योंकि वो टास्क उनके सामने इतना बड़ा होता है कि उनका कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। तो आपको क्या करना है, जो ऑर्डिनरी पीपल नहीं करते हैं, जो सक्सेसफुल पीपल करते हैं, सबसे पहले उस आउटकम को छोटे छोटे गोल में, छोटे छोटे टुकड़ों में चंक डाउन कर लेना। यानी कि सपोज अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हो या फिर कोई बुक लिखना चाहते हो, तो आप पहले दिन या फिर 7 दिन तक केवल 5-5 मिनट ही उस बुक को लिखना शुरू करिए, राइट। या फिर अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो तो केवल 5 या फिर 15 मिनट ही उस बुक को पढ़ना शुरू करिए, या फिर एक पेज एक दिन में पढ़ना शुरू करिए,
अब जैसे ही पढ़ना शुरू कर देंगे आपके माइंड को ये सिग्नल जाने लगेगा कि यानी कि जो मैं कमिटमेंट करता हूँ वो चीज़ हो रही है। यानी मैंने पहले ही स्टेप में बताया है कि इट्स लाइक बिल्डिंग योर मसल्स, ये एक हैबिट होती है जो डेवलप की जाती है, ना कि शॉर्ट टर्म में आती है, राइट। अब उसको क्या करना है, जैसे ही 7 दिन करेंगे, 7 दिन करने के बाद अब उस चंक को बढ़ा लीजिए, यानी जहां पर आप एक पेज पढ़ते थे अब आप उसको 2 पेज या 3 पेज में कर लीजिए। सपोज अगर आप बुक लिख रहे हैं तो उस बुक को जहां पर आप 5 मिनट लिख रहे थे अब आप उसको 15 मिनट कर लीजिए, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीक आएगा उस वीक में अब उस चंक को और बढ़ा लीजिए, क्योंकि जैसे ही चंक को बढ़ाएंगे अब आपके अंदर मसल्स बिल्ड होना शुरू हो गई है, राइट। तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी बॉडी उस चीज़ को मानना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर कोई भी स्किल को सीखना चाहते हैं तो आप पहले उसको चंक डाउन करें, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें, और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद आप उसको करना शुरू करें, आपकी बॉडी उस चीज़ को मानना शुरू करेगी। मैंने क्या कहा, आपके माइंड से आपकी बॉडी के अंदर सिग्नल जाना चाहिए कि मैं जिस काम को कमिट करता हूँ वो काम मैं कर लेता हूं। नाउ द स्टेप नंबर 3 इज रिपीट ऑल द एक्टिविटी। यस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस काम को शुरू तो करते हैं और कुछ दिन बाद सोचते हैं नो ये हो जाएगा। नहीं, आपको क्या करना है, उस पर बार बार उसी काम को रिपीट करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिपीट कर देते हो आपके बॉडी के अंदर आपकी माइंड के जो मसल्स हैं उस चीज़ को ज़्यादा स्ट्रांग करते चले जाते हैं। तो आपको उस चीज़ पे बार बार रिपीट करना है, चाहे आप बुक रीडिंग कर रहे हो, चाहे आपको कोई नई स्किल सीखनी हो, या फिर किसी के साथ कम्युनिकेशन करना हो, या फिर बहुत सारे लोगों को एड्रेस करना है, तो आप उस चीज़ को बार बार रिपीट करें, क्योंकि जैसे रिपीट कर देंगे वो स्किल्स, वो एक्टिविटी, वो कॉन्फिडेंस की हैबिट ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाएगी एंड आप ज़्यादा स्ट्रांग महसूस करोगे किसी भी काम को करने में। और हाँ, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि ऐसा रिलेवेंट वीडियो नेक्स्ट टाइम आपसे ना छूटने पाए। और इस वीडियो को शेयर करिए उन सारे स्टूडेंट पीपल्स, एंटरप्रेन्योर्स, या फिर जो लोग अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं, उन सारे लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि वो लोग भी अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाएं, अपनी लाइफ में ज़्यादा रिजल्ट को अचीव कर पाएं और अपनी लाइफ में ज़्यादा ग्रो कर पाएं। और कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।